मधुमेह के बारे में हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक हैप्पीनेस। ग्लाइसेमिक हैप्पीनेस मतलब आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि यह क्या कंसेप्ट है। तो ऐसा है कि यूजुअली किसी को बोले कि अगर शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया तो उसको लगता है कि अभी सब खत्म हो गया। आरोग्य जागृति, आरोग्य जागृति टीम आज यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अजय रोटे साहब से, जो CEO भी है और साथ में बहुत अच्छे मधुमेह तज्ञ, जिसको डायबिटोलॉजिस्ट जो बोला जाता है। उन्होंने काफ़ी पेशेंट को अच्छा ट्रीट किया है, मधुमेह पेशेंट को काफ़ी लोगों को इनसे राहत मिली है। आज उन्हीं से जानेंगे कि आज दिन ब दिन अभी डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में अभी नए नए त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार में पेशेंट ने डायबिटीज़, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ पेशेंट ने क्या ख्याल रखना चाहिए, इसी के ऊपर हम आज डॉक्टर अजय रोटे सर से बात करेंगे। उन्हीं से जानेंगे पेशेंट ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसा मेंटेन करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय रोटे, यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल का CEO और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे सिग्मा ग्रुप की तरफ से त्यौहारों के लिए शुभेच्छाएँ। आप को इन त्यौहारों के माध्यम से आपकी तबीयत अच्छी रहे और आप प्रोग्रेस करें, आपके लाइफ में ग्रोथ हो जाए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी के रिसेंट जो डायबिटीज़ रिलेटेड जो रिसर्च हो रहा है या रिसेंटली जो डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक हैप्पीनेस। ग्लाइसेमिक हैप्पीनेस मतलब आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि यह क्या कंसेप्ट है। तो ऐसा है कि यूजुअली किसी को बोले कि अगर शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया तो उसको लगता है कि अभी सब ख़त्म हो गया। तो ये जो है, ऐसा सोचने से अच्छा है कि उसका उल्टा सोचा जाए और पॉजिटिव सोचा जाए। तो आप ऐसा सोचो, किसी को अगर डायबिटीज़ होता है तो ऐसा सोचो कि आपका लाइफ बेहतर करने के लिए एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक संधि है आपको, जिसके माध्यम से आप आपका आयुष्य, आपकी हेल्थ, आपकी तबीयत को सुधार सकते हैं। एक उर्दू में बहुत अच्छा शेर है जिसको बोलते हैं, कोई रोग लगा ले सेहत के वास्ते, कोई रोग लगा ले सेहत के वास्ते सिर्फ अच्छी सेहत से उम्र कटती नहीं। इसका मायना यह है कि अगर हमको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो हमारा ये इंटेंशन ये रहता है कि हम ध्यान नहीं देते तबीयत की तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उल्टा ये है, और इसमें और एक ख़तरा आपको बताऊं मैं, कि डायबिटीज़ ये ऐसी बीमारी है जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं। कि जैसे शुगर, मेरे पास चलते फिरते पेशेंट आ जाते हैं जिनका शुगर 700 हो गया, 800 हो गया, 1500 भी देखा है मैंने, 1400 भी देखा है। तो ये प्रॉब्लम है कि डायबिटीज़ आपको नम बना देता है। नम का मतलब है सुन बना देता है, कि शुगर बढ़ गया, किसी को हार्ट अटैक भी आ गया तो छाती में उसका दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए डायबिटीज़ की नियमित जांच करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डरना नहीं, उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि डायबिटीज़ में मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी और चीज़ का परहेज़ आप चाहे करो या ना करो, चिंता से परहेज करो, चिंता नहीं करना। चिंता करेंगे शुगर और बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे। तो जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है या जिनको नया डायग्नोस हो गया, अभी रिसेंट के जो टाइम है, ऐसे रिसेंट के जो टाइम है, उसमें डायबिटीज़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी 4-5 वजह है। पहला है कोरोना, कोविड के या कोरोना के कारण जिस किसी को भी हुआ है उसका शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हुआ है। मेरे पास तकरीबन जो पेशेंट एडमिट हुए थे उसमें से 40% लोगों को नया डायबिटीज़ निकल गया। दूसरा उसका बात साइड इफेक्ट क्या हो गया कि लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, घर बैठो काम करो, खाना खाओ, एक्सरसाइज नहीं, बाहर नहीं जाना, उससे शुगर का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। और जिनका डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल में था उनका और ज़्यादा ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसके बावजूद भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा खुद का डायबिटीज़ शुगर लेवल अपने नियंत्रण में रखा है। तो डायबिटीज़ का यही है, चाहे आपको कोई बोल भी दे कि मैं ये तुमको करूँगा तो तुम्हारा डायबिटीज़ गायब हो जाएगा, तो पक्का मान के चलो कि वो झूठ बात है। डायबिटीज़ परमानेंटली गायब होने की संभावना नहीं है,
डायबिटीज आप कंट्रोल में रख सकते हो, इसलिए डायबिटीज को अपना फ्रेंड बनाइए, दोस्त बनाइए, लेकिन उसको शत्रु मत, दुश्मन मत बनने दीजिए अपना। और जब तक वो कंट्रोल में है तब तक वो आपका दोस्त है, फिर आपको वो तकलीफ नहीं देगा। तो डायबिटीज़ का हमारा अगर दोस्ती करनी है डायबिटीज़ से, तो उसके लिए क्या करना है, तो सिर्फ दोस्ती नहीं करनी है, डायबिटीज़ होते हुए या मधुमेह होते हुए हमें खुश रहना है, ज़िंदगी का लुत्फ उठाना है, ज़िंदगी का मज़ा उठाना है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक हैप्पीनेस। खुश रहना है तो क्या करेंगे, डायबिटीज़ है लेकिन फिर भी खुश रहना है, क्या करेंगे? पहली बात यह है कि शुगर लेवल हम अच्छे कंट्रोल में रखेंगे। आपकी हर खुशी वो शुगर लेवल के कंट्रोल से डिपेंड करेगी, आप ध्यान रखो। HbA1c का लेवल, जिसको हम ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट बोलते हैं, HbA1c का लेवल 7 से कम रखना, तो इसका मतलब आप खुश हैं। और इसके लिए क्या करना है, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, मेडिसिन और डॉक्टर की सलाह फॉलो करना, रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना है। डाइट कंट्रोल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे रिलेशन आता है हमारे आने वाले त्योहारों के सीज़न का। तो स्वीट लेना देना ये बहुत ज़्यादा आम बात है, खुशी बांटते हैं हम स्वीट देने के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके जो फ्राइड स्वीट्स हैं उससे अच्छा ड्राई फ्रूट्स प्रिफर करिए, आपको खाने के लिए, हेल्थ के लिए या इवन देने के लिए भी लोगों को। दूसरा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो स्वीट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसकी मात्रा कम रखिए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमको मीठे की जो संवेदना है हमारे जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर, वो एक्वायर्ड टेस्ट है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि नया जब बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको मीठा क्या है पता नहीं चलता। जब उसका पहली बार मीठी चीज़ दी जाती है तब उसको एहसास होता है कि हाँ ये मीठा है, तो इसको हम एक्वायर्ड टेस्ट बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये इसका बोलने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है आपको मीठा खाना, क्योंकि ये एक्वायर्ड टेस्ट है इसलिए वो खाना कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको मीठी टेस्ट सिर्फ पहले निवाले से मिलती है, ये बात ध्यान रखो। आपके सामने 100 ग्राम पेड़े रख दिए यहाँ पे, बराबर है, तो आपको टेस्ट कैसे पता चलेगा, पहला छोटा सा आपने टुकड़ा भी खा लिया उससे आपके टेस्ट बड्स जो है जीभ के ऊपर वो भर जाएंगे। उसके आगे का जो खाना रहता है ना, वो अपना मेंटल प्रेशर, मेंटल प्लेजर रहता है। हम खाते रहते स्वीट टेस्ट करना है मैं मना नहीं करता, एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट, और उसको एक तरीका है कि आप स्वीट कैसा इन्जॉय कर सकते हो। समझो गर्मा गर्म जलेबी है, गर्मा गर्म कोई भी आपके सामने स्वीट है, ठीक है, पहले तो ये है कि आपका शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, ट्रीटमेंट बराबर होना चाहिए, उसके बाद पहले उसको अच्छी तरह से सूंघिए, उसका फ्लेवर एंजॉय कीजिए, डायरेक्टली उस पर टूट मत पड़िए, और बाद में एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको एंजॉय कीजिए, बस। तो आप लोगों का दिल भी रख पाएंगे, मीठा खाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएंगी और आपका शुगर भी बढ़ेगा नहीं और बाकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। सो इसी तरीके से आप ज़रूर एंजॉय कीजिए इस सभी आने वाले त्योहारों में, अच्छी तरीके से आपका हेल्थ मेंटेन कीजिए, और आगे चल के इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसका ख्याल रखिए, डॉक्टरों की नियमित सलाह लीजिए और आपका एंजॉय कीजिए ये आने वाले त्यौहार। आपको फिर एक बार मनपूर्वक शुभेच्छा और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आरोग्य जागृति।